आदाब समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिर्जा शाहिद चंगेजी साहब के पास आए हैं और हमने लॉकडाउन और प्रवासी मजदूर और जिस तरह से मौजूदा देश के जो हालात है उन सब मुद्दों पर उनसे बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं उनसे बातचीत। मिर्जा शाहिद चंगेजी साहब, जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था, जब 500 मरीज थे तो पूरा कर्फ्यू लागू किया गया था, आज 2 लाख से ज्यादा मरीज हैं और सारी चीजें खोली जा रही हैं, शराब खाने खोले जा रहे हैं, दुकानें खोली जा रही हैं और आप देख रहे हो DTC की बसें भी चल रही हैं, तो क्या सरकार की ये नीति सही है? नीति तो ये बिल्कुल गलत है जो गवर्नमेंट ने अब ये चालू करा है। क्या कहते हैं इसको, लॉकडाउन के अंदर शराब के ठेके खोल दिए और मार्केटें खोल दी, बाजार खोल दिए, तो इससे तो और बढ़ रहा है मरीज। 2000 रोज तो दिल्ली के अंदर हो रहा है और इंडिया लेवल पे देखा जाए तो 10,000 मरीज रोज के, आप देखिए तकरीबन 10,000 मरीज बढ़ जाते हैं रोज के, बढ़ रहा है। तो ये तो हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है, यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट भी फेल हो गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी फेल हो गई है। इन दोनों के बस का कुछ नहीं रहा, खाली जबानी खर्च चल रही है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हज़ारों मजदूर इधर से उधर परेशान हो रहा है, किसी को खाने को नहीं मिल रहा, कोई कहीं परेशान है, कोई कहीं परेशान है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं दिया जा रहा। जो जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट की, जिम्मेदारी उससे बचती नजर आ रही है गवर्नमेंट, अपनी जिम्मेदारी को निभाने रही औरों पे डाल रही है। ये तो ये समझा जाए कि दिल्ली की जनता ने दिल खोल के पैसा खर्च करा है तो आज यहाँ लूटमार नहीं हो पा रही, वरना तो यहाँ भी लूटमार हो जाती हिंदुस्तान के हर सूबे के अंदर। ये तो वहाँ की पब्लिक है जो दिल खोल के उन लोगों पर खर्च कर रही है, रास्ते के अंदर बांट रही है, सड़कों पे बट रहा है, रेलवे स्टेशन पे बट रहा है, ये तो पब्लिक अपनी तरफ से कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से। चंगेजी साहब आप लॉकडाउन को सफल मानते हैं या असफल मानते हैं? नहीं, असफल है ये तो, सफल हो ही नहीं सका। जब 500 मरीज थे, जब तो पूरा इलाका बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, आज 2 लाख हो गए तकरीबन और हर चीज खोली जा रही है। और अब आगे सुनने को आ रहा है कि अब खुलने को ये आ रहा है कि क्या कहते हैं कि 8 तारीख से और मंदिर मस्जिद और ये दुनिया भर की चीजें खोलने को तैयार बैठे। प्रवासी मजदूरों को जिस तरह से उनको दुर्घटनाओं में मारे गए, वो रेल 40 रेल ट्रेनें जो है अपना रास्ता भटक गई, क्या ऐसा पॉसिबल मानते हैं कि अब ट्रेन रास्ता भटक सकती है? नहीं जी नहीं, ट्रेनों ने रास्ता नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के ऊपर ट्रेनों को घुमाया गया है। कुछ लोग इधर मर जाए, कुछ वहां मर जाए, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक चाल थी जिसके जरिए 40 ट्रेनें पूरे रोडों पे घूमती रही, वो घर तक नहीं पहुंच पाए मजदूर। एक तस्वीर विचलित करती है, पूरी दुनिया ने देखा कि माँ के आंचल को बच्चा उठा रहा है, उसकी चादर उठा रहा है और उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। और एक तस्वीर आपने देखी होगी कि सूटकेस पे बच्चे को एक माँ ले जा रही है, तो ये क्या एक मतलब आत्मनिर्भर भारत की ऐसी तस्वीर होगी? जी ये तो जब से हमारे मोदी जी आए हैं, जब से तो देश के अंदर अकाल पड़ गया है, हर कुछ ना कुछ मसले खड़े होते रहते हैं। पहले ये थे हिंदू मुस्लिम और अब ये कुदरती आफतें आनी शुरू हो गई हैं। क्यों? कि जब तुम देश के अंदर प्रेम प्यार भाईचारा ख़त्म करोगे तो ईश्वर तो जागेगा और उसने अपनी तरफ से इनके ऊपर क्रोध शुरू कर दिया करना। टिड्डियों का हमला हुआ, बंगाल में तूफान आया, अभी मुंबई में तूफान आया और अभी भूकंप आया, इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, मेरा सवाल ये है आपसे कि एक तरफ लोग जो है आज भी 5 किलो चावल में पूरा महीना कैसे गुजार सकता है जबकि काम धंधे नहीं है, कैसे गुजार सकता है, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। और मैं बता रहा था ना, अभी आपने एक सवाल करा था मुझसे कि ये क्या कहते हैं टिड्डी दल आ गया, तो ये भी इल्ज़ाम उसमें पाकिस्तान के साथ मंडेंगे क्योंकि इन्हें तो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के अलावा कुछ आता नहीं। अब चाइना इनकी सरहदों के अंदर घुस गया है, उसकी फिक्र नहीं है इन्हें, अब ले दे करके पाकिस्तान से कबूतर आ रहा है यहाँ मुखबरी करने के लिए, और क्या टिड्डी दल पाकिस्तान भेज देता है, यहाँ आक्रमण कर देता है टिड्डी दल का। अभी इससे पहले सुनामी अभी आई थी, वही पाकिस्तान ने अरबों ने इधर भेज दी, हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करा दिया, इनको बस इसी बातों से फुर्सत नहीं है। ये देश के बारे में कभी कुछ अच्छा नहीं सोच सकते, ना देश की जनता के बारे में अच्छा सोच सकते, ये लोग सिर्फ अपना और अपना ही भला चाहते हैं और मालदारों की मदद कर रहे हैं और गरीबों को परेशान कर रहे हैं। उद्योग धंधे जिस तरह से ठप हुए थे, कारोबार ठप हुआ था, कारखाने बंद हुए थे और जो प्रवासी मजदूरों को जाना पड़ा, तो क्या आप ये समझते हैं कि उनको कैश देना नहीं चाहिए सरकार को? सरकार ने ये काम करा है कि इस लॉकडाउन के अंदर जितने उद्योगपति का नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपया उन लोगों के खातों के अंदर ट्रांसफर कर देना है और गरीब को कुछ नहीं देना है, सिर्फ मालदारों के बारे में ही इन्होंने सोचना है क्योंकि ये मनोवादी हुकूमत है और ये सिर्फ पैसे वालों की हुकूमत है।
ऐसे वक्त में जब देश कोरोना से लड़ रहा है और दूसरी तरफ तबलीगी जमात के नाम पर मीडिया ने जो शोर मचाया था, एक चैनल के बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, आरएसएस के दफ्तर में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो ये तो कोरोना जो है किसी धर्म को नहीं देखता, ये पुलिस की वर्दी से भी नहीं डरता है। फिर इन्होंने जिस तरह से जमात को ये सांप्रदायिक एजेंडा चलाया था, तो क्या मानते हैं आप ये सांप्रदायिक एजेंडा इनका कामयाब रहा या फेल ये रहा? तो फेल रहा। इन्होंने तो ये चाहा था कि हिंदू मुसलमान कर दे कोरोना को भी, लेकिन ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है, उसने ऐसी लाठी मारी इनके कि इनके दफ्तरों तक में पहुंचा दिया। वो क्या कहते हैं, जी न्यूज़ वाला है, उसके घर में पहुंच गया, और आरएसएस के उनके घर में पहुंच गया, और भी इनके पता नहीं कितने मंत्री इसकी जद में आ चुके हैं। तो ये तो अब इनके ऊपर और अजाब आने वाला है। जैसा ये भारत की आवाम को परेशान करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके ऊपर ऐसे ही अजाब भेजता जाएगा। इस लॉकडाउन के अंदर प्रवासी मजदूरों को मुस्लिम समाज और दूसरे समाजों ने खाना खिलाने का काम किया, उन्हें पानी पिलाने का काम किया, बहुत सारे लोग लगे रहे। तो मैं समझता हूँ भारत को जो सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहते हैं वो सब फेल हो गए, और लोगों ने दिखा दिया कि वो कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आधार पर नहीं बटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल बहुत हद तक बिल्कुल सही है कि इन्होंने तो ये भी चाहा था, लेकिन हिंदू मुसलमानों ने मिल करके इन बेचारे मजदूरों का जो मदद की है, बहुत बड़े तरीके पैमाने के ऊपर ये मदद की गई है। और ये आरएसएस वाले, ये कच्चाधारी लोग, ये तो सब अपने घरों में ढक के बैठ गए थे। ये लोग एक भी सड़क पर नहीं आया मदद करने के लिए, बल्कि इन लोगों को तो मदद करने आना चाहिए था। जैसे इन लोगों ने फैला रखा था भ्रम, वो सारा भ्रम इनका टूट गया है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि भारत की अखंडता एकता को मजबूत रखें, एकता और अखंडता को मजबूत रखें भारत की, और हम सब मिलजुल करके एक दूसरे की मदद करें। थैंक यू सर। को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने